ब्रांडिंग कर लेते हैं कुछ लोग, या तो सीधा जाता है वो सिर्फ आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, ब्रांडिंग नहीं करता है। जो कंस के वंशज हैं वो कंस के साथ रहेंगे, जो कृष्ण के वंशज हैं वो गुजरात वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, चूंकि गुजरात में ही शरण लिए थे कृष्ण ने, वरना भारतीय जनता पार्टी में उसका योगदान कम नहीं है और कम नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, आप भ्रम नहीं रहे, यादवों में भी कंस थे और कृष्ण थे, आप पूर्णिया में लड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ब्रांडिंग कर लेते हैं कुछ लोग, या तो सीधा जाता है वो सिर्फ आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, ब्रांडिंग नहीं करता है, वरना भारतीय जनता पार्टी में उसका योगदान कम नहीं है और कम नहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, आप भ्रम नहीं रहे, यादवों में भी कंस थे और कृष्ण थे, जो कंस के वंशज हैं वो कंस के साथ रहेंगे, जो कृष्ण के वंशज हैं वो गुजरात वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, चूंकि गुजरात में ही शरण लिए थे कृष्ण ने। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जगदम्बी प्रसाद यादव जी को बनाया, नंद किशोर यादव जी को बनाया, और आज वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी को बनाया, और इससे अधिक और क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? देश की सुरक्षा की जवाबदेही के रूप में गृह राज्य मंत्री को पूरे देश में सुरक्षित रखने के लिए गृह राज्य मंत्री के रूप में नित्यानंद राय जी को मंत्रिमंडल में शामिल करके भी यादवों का सम्मान बढ़ाए हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सदन में आपके सामने मैं रोज रहता हूँ, मैं सदन का सदस्य हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। यही नहीं, यादव समाज के जनार्दन यादव जी भी राज्यसभा के सदस्य थे, और सबसे बड़ी बात है यादव विराटतम रूप में विश्वास करता है यह कृष्णवंशी है। कृष्ण जिस तरह से विराट रूप को धारण करते थे उसी तरह विराटतम रूप को स्वीकार करता है, और जो यहाँ के जो विरोधी पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, वो छोटे छोटे खंड में बटे हुए हैं उसको और पसंद नहीं करता है। और विराटतम रूप अगर कहीं देखना है तो वो भारतीय जनता पार्टी, दुनिया के बड़ा संगठित पार्टी जो अपने सभ्यता और संस्कृति को कैरी करता है, उसके लिए भी यादव कम्युनिटी और यादव के नौजवान भारतीय जनता पार्टी के तरफ आने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। हमेशा इस कारवां को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, इसलिए भी बीजेपी के प्रति यादवों का समर्थन बढ़ा है, बढ़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे 77 हो, 80 हो, 85 हो, 89 हो, सारे चुनावों में यादवों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है, क्योंकि एक साथ कांग्रेस के खिलाफ यादव मतदाता इस देश में 52 के बाद से कांग्रेस के खिलाफ मतदान करते थे, और उसमें एक उसके उल्टा फोल्ड में प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए हमेशा करता रहा है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए आपको बताने आए हैं कि कल ये गोवर्धन पूजा के अवसर पर इन पाखंडियों को, इन घमंडियों को हैसियत बताने के लिए बिहार के यादव नौजवान उपस्थित होंगे। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें, ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।